बहुत दिन से देख रहा हूँ माता जी को, कृपा पहले चाहता तो यहाँ कोई कोई है, बहुत गर्मी का टाइम है, काफी ठंडा है, तो भी शांत सी रहे हो सही रहता। चाहे हम लोग तो आदमी हो, बहुत बात कहा, ये सब राधारण की कृपा है इसके प्रति। हम लोग तो रहने नहीं चाहते, चल जाए बताए, इतना ठंडा दिसंबर जनवरी फिर कोई भी व्यवस्था है, गर्म हीटर राधारण का कृपा नहीं होता तो कोई हीटर क्यों रहने नहीं चाहिए, भागने अपराध करे भगवान राधारण उसको पकड़ दे भाग। हाँ सच तो कहानी ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक दफ चैतन्य भगवान है कह रहा कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी किए थे भक्ति रत्नाकर ने लिखा है बंगला में, अब समझ में से है तो हे श्रीनिवास कभी यहाँ भगवान का भी लीला होता ऐसा हुआ कि राधा कुंड का नीच दिन में श्याम कुंड राधा कुंड में वो स्थान है जहाँ भगवान का भक्त चैतन्य महाप्रभु परिक्रम ने जब आया इधर तो चैतन्य महाप्रभु भी इसका प्रकट कर दिया, कोई पहले पता नहीं था कहाँ राम श्याम कुंड राधा कुंड, तो चैतन्य महाप्रभु आके एक चैतन्य महाप्रभु जब इधर परिक्रम करने आया था तब जब राधा कुंड बनी थी गया अभी जो स्थान को राधा कुंड कहा था, पहले चैतन्य महाप्रभु का हरित ग्राम कहाँ है, हरित का मतलब ओरिष्टा सुर से हरित शब्द आया, हरित गांव, आई डोंट नो स्टिल दिस डे कॉल हरित ग्राम, हरित गांव बोले तो वहां जाकर आदमी गए हैं हरित ग्राम, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा राधा कुंड श्याम कुंड कोई नहीं कहने से तो अप्रकट हो गया, भगवान का पता है देखा चैतन्य महाप्रभु जाकर एक कुंड था छोटा सा पानी है एक गर्त वहां नहाने लगा, जब पूछा ये क्या है तो चैतन्य महाप्रभु पता दे यही है कुंड, क्या बोला आप सुन चैतन्य चैतन्य में मधुर लीला अष्टादश अक्षर परिच्छेद में लिखा है हे मत महाप्रभु नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे उस टाइम में, आरिफ ग्रामे आसी बाध्य होइल अचंबिते, वो तो समाधि में था गए नहीं थे कौन स्थान है ऐसा नृत्य करने जाते थे, आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोको स्थाने, आदमी को पूछा आरिफ ग्राम कहा है केहो नहीं कहे संगे ब्राह्मण ना जाने, उनके साथ एक सेवक था वो भी नहीं उसका भी नहीं पता था ये स्थान कौन है, आदमी लोग भी कहने नहीं सका ग्रामवासी लुप्त तित्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, ये तो अप्रकट हो गया कोई को पता नहीं कौन है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके बाद दुई धान्य क्षेत्रे अल्प जले गोयलो साथ एक पैडी फील्ड था धान का खेत उसमें थोड़ा देखा गोबर का पानी है वहाँ महापूर्ण वहाँ नहाए स्नान किया, देखी सब ग्रामीण लोग विस्मय हो लो मन तांडव फूल समझाने क्यों वहाँ नहाया, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रोस्तवन, तो महापुरुष
राधा कुंड का स्तप करने लगा, स्तुति करने लगा। सब गोपी हुई थे राधा कृष्ण रूपी ऐसी, जितना गोपी है श्रेष्ठ गोपी था, सबसे प्यारे भगवान का राधा है। तो इच्छे राधा कुंड प्यारोषी, इस तरह राधारानी का भी जो है वही भगवान का सबसे प्यारे। लघु भागवत में उत्तरखंड में इसी लिखा है, जथा राधा प्रिया विष्णु स्तु तस्या कुंडम प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेविका सेवयिका विष्णु तर अत्यंत बल्लभा। बल्लभ का मतलब प्यारे, तो सबसे प्यारे है राधा रानी। इसे सब कुंड में सबसे प्यारे कुंड है भगवान का राधा कुंड। राधा रानी जैसे भगवान का सबसे प्यारे, इस तरह राधा कुंड भगवान का सबसे मतलब से कुंड तो कृष्ण राधा संगे बोले के लिए करे तिरे रासो रंगे। हर रोज आवित कृष्ण जी राधा रानी के साथ राधा कुंड श्याम कुंड में लीला कर रहा। सही कुंडे जे एक बार स्नान कर स्नान तारे राधा सो प्रेम कृष्ण पढ़े दान। अगर कोई एक प्रेम सरोवर में राधा कुंड श्याम कुंड में नहाए तो भगवान कृष्ण राधा का अर्जुन का प्रेम कृष्ण प्रेम उनको प्रदान कर रहा है। कुंडेर माधुरी सुनो राधा रो माधुरी माँ, माधुरी माँ कुंडेर महिमा जनो राधा रो महिमा। ऐसे राधा ने जोड़ी पाए तो कुंडे तो सुनते राधा ने क्या जैसा महिमा है, इस तरह एक हिंदू का महिमा नहीं है। तो इतना गौरी और कृष्ण भाई उनको पा, इसलिए जो महान गौरी और कृष्ण भाई है नित्यानंद प्रभु का पत्नी शक्ति चैतन्य महाप्रभु बल्लभाचार्य और उनको दोनों का बैठक है या बैठ के भजन करते थे। और राधा कुंड में जाते सर्व गोस्वामी कृष्णदास कविदास ने वहाँ चैतन्य चैतन्य उतरने का स्थान भी है जहाँ लोग नारदास स्वामी दर्शन हर रोज नहाते थे, नहाने से राधा जी की कृपा प्राप्त करने से स्थान भी आते हैं। घाट है माँ जानवा नित्यानंद का शक्ति वो एक बकुल पेड़ है, वहाँ घाट भी है, वहाँ नाते काफी ऐसा बहुत गीत है। सबसे बड़ा स्थान भजन का पंच पांडव घाट, पंच पांडव वहाँ भजन करते थे। एक कहानी है इस बार में, कोई आदमी तीर्थ करने कोई हिमालय में गया भगवान की सेवा करने, आकाशवाणी में सुना कहा हमारा भक्त है वहाँ लोकनाथ दास गोस्वामी जाके जाकर उनको पास बोला आप क्या सेवा करने से आपको बताया जाकर हुआ। तो लोकनाथ दास जी को पता था चैतन्य महाप्रभु है इसको संस्कार कर, तो चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड श्याम कुंड बड़ा बना दिया। वो टाइम में और एक टाइम में ऐसा है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने पूछा एक किताब लिखने रखा, लिखते लिखते एक जगह में लिख रहा गोपी को जो बाल है उसको बारे में लिखा गया देखने कैसा है ये नाक का मां भी क्या, तो सोचता ये लिखेगा नाक का मां ठीक है कि नहीं सोचने लगा। तो सनातन गोस्वामी को पूछा क्या ठीक है, सनातन भी सोचने लगा ठीक है ना गलत है। इस बार में अच्छा लिखा है काम ऐसा भगवान के लिए हमेशा ही हो रहा था। जो भाग्यशाली है भाग्यवती है वो देखने से कर तो क्या लिखा है इसमें तथा ही भक्ति रत्ना कर पंचम 754 765 में वर्णित है श्लोक में हे श्रीमास भगवान का जो लीला हुआ इधर कह रहा श्रीमास
Mahaprabhu car, which I have equal to one. Bhakta Mahaprabhu. Ekdin Sanatan Govardhan Haite, Ekdin Govardhan se, Sanatan Goswami, Yathayo Rupnathero Dekhite, Rupa Goswami saath bhet karne aaye the. Sanatan Goswami dekhiya kichu kahe, dilai upamaya hoy na hoy. Rupa Goswami paddha moraye rachana, Rupa Goswami dekha. Beriyo upama dila balangana mana. Jo gopi hai, usko wo bal hai, uska bal ka jo है वो तो देखते हैं जिसे सांप का पना है क्या कहते हैं ना तो ये ठीक है ऐसा लगता है वो कारा अच्छा सोचने लगा तो क्या देखा ये तो कोई आशिया नामिला कुंड जले बता के सनातन गोस्वामी तो राधा कुंड सांप एक कुंड में पानी में उतरा दिलाएं कोई या होए ना होए दुबिया देखो ये बाजी का गान खेले ब्रिकोटले तो सातों उसने देखा कुछ छोटा गोपी का वाली बच्चा लेकी फिर खेलते थे बाजी का मस्त खेले नहीं पीछे ते लोटा है सनातन देखे सब प्रभाव होई लोटा है देखा उस बच्चा लेकी को उनका पृष्ठ देश में उसका जो बेनी क्या है बेनी में बेनी छोटी देखा देख के देखा था उनको देखा था दूर से देखा था नाक का माँ डर लगा तो बाली का प्रति को है उत्ती बैठ रहे या तो थोड़ा डर के कहा था हे उनको बोला लेती को माथा है चलो सबको पृष्ठ दे दिया आपका पृष्ठ दे से स्थान से नाक उठ रहा ऊपर में चल रहा ये बोल बोला अबोध बालिका गौर नाओ सावधान विज्ञापुर क्या हिंदी में विज्ञापुर सावधान ये तो पहली बार थे गुरीला बयान बताया सावधान सनातन योगी स्वाय बैकुलो देखिया थी वो लेकिन देखा सनातन गोस्वामी को डर लगा बताता है सावधान अंतोध्यान महिला सबे ईश्वर तो हासिया दूर से देखा वो लड़की दो बच्चा लेकी थोड़ा मुस्कारा मुस्कार के अदृश्य हो गया अंतोध्यान तो प्लीज भाई सनातन गृहस्थ भैलाई खाने स्थिर होया गेलु गोस्वामी स्थाने तो सनातन गोस्वामी अभिभूत हो गया भाव में विहल हो गया होकर रूप गोस्वामी पास गया रूपे कहे जे लिखा सही सत्य है अब जो लिखा वो सची है तो सही है जो आप लिखा नाक का तरह उठी शिरू आप जानी रो सनातने रो हिदाय तो रूप गोस्वामी समझ गया कुछ देखा भगवान भगवान का पार्षद कुछ उनके पास प्रकट करते हैं साथ है उसे समझाए उनके दिल में क्या हुआ वो सब प्रकट कर दे इसलिए कहा कि अतस्य कृष्ण नामानि न भवेत् राजेन्द्र सेवन मुखे ही जीवन भगवान को जो सेवा करने चला भगवान सब कुछ प्रकट कर मनेर आनंद स्त्री गोस्वामी सनातन भगवान सनातन गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ कथक कौन रैया गिरे गोवर्धन कुछ टाइम घर बिता के गोवर्धन थी गोवर्धन में दिन घूमता था हे दो दफे हर रोज प्रदक्षिण करते थे एक दिन भगवान कहा तुम सनातन अब क्या सिद्धि लाभ कर दिया भक्ति में कैसा कानून सब विधि पालन कोई जरूरत नहीं है उनके नहीं नहीं ये जैसे प्रेम प्रेमिका प्रियो प्रिया में जैसे कभी कभी कला होता प्रेम कला भगवान के साथ हम तो सारे जाओ तो बहुत मधुर है आगे तक चल रहा है
जो भक्त प्रेमी है भगवान से उसके साथ प्रेम का एक्सचेंज करता कैसे तो भगवान का नहीं नहीं तुमको प्रतिज्ञा कोई जरूरत नहीं साधना नहीं नहीं हम करेगा ये कानून है शास्त्र का भगवान नहीं तुमको कौन कैसे तो बोले नहीं करेगा तो आए अभी हम एक भोजन पात्र तुमको दे देगा पात्र देगा तो भगवान का पाका चिन्ह है चरण चिन्ह है बंसी का चिन्ह है और गौवा का जो बाघ खुर है क्या उसका भी चिन्ह है आदि तरह को दे नहीं सकता अब जाइए भूपात का जो भजन स्थली राखा दामोदर तेम मंदिर तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ ये क्या है ये भी भूगोल भजन स्थली जा रूप गोस्वामी ने भजन किया उनका समाधि भी है भजन कुटिया भी है वो बता दिस इज हब दिस इज द सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओके सबको जाना चाहिए जब भी मौका मिले कभी पूजा चाहिए जाके भगवत का प्रार्थना के लिए घर में भगवत लिखा उनका मूर्ति है शिव विग्रह है जहाँ देखते थे